खबर रीवा जिले के चौराहा थाना क्षेत्र से, जहां एक मां अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस भी इसमें सहयोग नहीं कर रही है। बताया जा रहा है कि मां मायके गए थी और बच्ची स्कूल गई थी, तभी से बच्ची लापता है और मां आशंका जता रही है कि उसे एक युवक अपने साथ ले गया है। युवक अपने साथ बच्ची को लेकर चला गया। इसकी सूचना चौराहा थाने में दी गई, लेकिन वहां कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आइए आपको सुनाते हैं पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए मां ने बच्ची के संबंध में क्या जानकारी दी है। मेरी घटना ये हुई है सर कि मेरी लड़की 2 तारीख से गायब हुई है। हम मायके चले गए थे 2 तारीख को, तो मिठाई खवाने अपने भैया को, तो लौट कर आए थे तो वो लड़की नहीं पाई थी। गीत बताई कि मम्मी गीत नहीं है, स्कूल गई है, वहाँ से गायब हो गई है। सोचना दिया हास चौराहा थाना में, बोले कि हम कार्रवाई नहीं करते हैं, नहीं किए। एक हफ्ता हम जाते थे, वो पता हो गए नहीं है। यहाँ थाना में सिविल लाइन थाना में दिए, बोले कि ठीक है हम कार्रवाई करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं किए हैं, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। आपकी बच्ची कहाँ गई है, कुछ पता चला किसके साथ? मेरे बाबे सुरन साकेत के साथ मेरी बच्ची गई है। सुरन साकेत कौन है, कहाँ का है? डिठौरा का है। इसके घर में आपने पता किया था? हाँ, इसके घर में पता किया था। इसके मालकिन फ़ोटो दिया कि मेरे पति ने गायब है, ये फ़ोटो है मेरे पति के, तो ले जाओ रिपोर्ट कर दो। तो फोटो आपने पुलिस को दिया है? हाँ, पुलिस को दिया है, बताया है, नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। आपकी बच्ची कितने साल की है? 11 साल का। अभी तक कोई नहीं मिला? कोई नहीं मिला, तो मैं कौनों नहीं मिले हैं, मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम मीडियम वाले के यहाँ आए हैं कि मेरी सुनाई हो जाए। ये बच्ची पढ़ती थी? हाँ, छठवीं पढ़ती थी। काम भी करती थी क्या? काम नहीं करती थी, छठवीं पढ़ती थी, काम वो कुछ नहीं करती। कैसे पता चला कि उसके साथ ही गई होगी? उसके साथ हमको ये पता चला कि काम करने नहीं आया उस दिन। वो ठेकेदार फ़ोन लगाया, दिनेश पटेल फ़ोन लगाया कि सुरेंद्राव काम में, तो बोला कि मैं बाहर चला आया हूँ। उसका आना जाना था क्या आपके घर में? नहीं, हमारे घर पे नहीं है, वो साइड पे काम करता था। वो वहाँ हम चौकीदारी करते हैं, अपने बच्ची लेकर के, पति के लेकर, सब परिवार लेकर वहीं चौकीदारी काम करते थे। वहीं चौकीदारी से और मेरे वहाँ से यहाँ लड़की अपने घर आती थी, अधबीचे से गोल हो गई। 2 तारीख के आए तो मेरी की मम्मी ने ढूंढने निकले तो हमारी लड़की नहीं, पूरी रात ढूंढे। चौराहा थाना में गए तो बोले कि बिहाने रिपोर्ट करने आओ। उसके घर में गए, सुरेंद्र साकेत की पत्नी बोली कि मेरे पति भी नहीं है, ये फ़ोटो ले लो, अपना जो मर्जी हो तो करो। वो शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा, लड़का बच्चा है उसके पास, 3 बच्चे हैं और उसका बीवी है। आपके बच्चे 12 साल की? हमारा 12 साल की लड़की है। Every passionate child has a unique story. Mount Era Convent School. Mount Era Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-7590, 990-7317817, or you can visit us on the address Mount Era Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.